अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब भी मॉडल आता है तो ग्राफिक्स चेंज होते हैं या बैकलाइट कवर चेंज करते हैं, लेकिन इस बार हमने इसमें तकरीबन 20 से 25 आइटम चेंज किए हैं। शाहरुख वैसे हैवी पिशावर का पता है। असल में जो हमारे इस वक्त पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, जो हमारा मजदूर और जो मतवस्त तबका है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत बहुत तेरह साल हो गए सुपरस्टार का डीलर और ऐसी चेंजिंग मैंने कभी नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं। तो आज जा रहे हैं हम एक और ब्लॉग करने, और ब्लॉग का सीन ये है कि आज जा रहे हैं हम हैदराबाद, एक छोटा सा काम भी है और साथ साथ सुपरस्टार मोटरसाइकिल कंपनी की लॉन्चिंग भी है। तो जाएंगे, अपना काम भी निपटाएंगे और जो लॉन्चिंग सेरेमनी है वो भी दिखाएंगे, सुपरस्टार का जो न्यू मॉडल है आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। हमारे साथ रजा भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सब खैर खैरियत से हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम चल रहे हैं हैदराबाद, आपको साथ लेके चलेंगे, उसकी लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग का इवेंट हम करने जा रहे हैं, आप लोग साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। बैठेंगे गाड़ी में। भाई लेडीज है, निकले ऑलरेडी, अब हम खैर निकल रहे हैं घर से अपने, और सबसे पहले कनेक्ट करेंगे मीर साहब को, मीर साहब को पिक करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। टिल देन स्टे कनेक्टेड। फ्यूल रिफिलिंग के लिए रुके हैं। हाँ तो फ्यूल रिफिल हो गया। मौज खवातीन हज़रात, हमें तो खुशी है ही, हम जा रहे हैं लॉन्चिंग में, लेकिन आज जो हम तीनों में सबसे ज्यादा जिसको खुशी है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिनको निकल देखते आपको जाएगी ओए होए, मैं खुद ही बोलूंगा ये सबसे ज्यादा खुशी इन्हीं को लग रही है भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह मीर साहब यार, ये मीर साहब अपनी शादी के वली में कोट पहन के आए, बताओ। अब जो भी पहन कर आए कोट पहन कर आए, मैं तो आपसे कह रहा था कि सूट पहने, आपने नहीं पहनने दिया। नहीं, नहीं भाई, सूट वूट क्या, सूट वूट तो बड़े लोग पहनते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं, हम थोड़ी पहनेंगे सूट। मीर साहब माशाल्लाह यार, माशाल्लाह दिल से मीर साहब माशाल्लाह निकल रही। हाँ मीर साहब, क्या करने जा रहे हैं, क्यों उतरे? पानी वानी की बोतल ले लें और कुछ शॉपिंग वगैरह कर लें, लंबा सफर है, अच्छा गुजर जाए। हाँ तो बहुत ज़्यादा दिनों रात उतरे हैं कुछ शॉपिंग के लिए, क्योंकि सफर है आपको पता है, तो पानी की बॉटल से होती है और कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। ये मैं ले रहा हूँ अपने बेटे के लिए, अबू लारिस के लिए, वो डोरेमोन को कहता है गोरेमोन। ये देखिए अबू लारिस, ये आपका गोरेमोन मिली है। ये तो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? मीर साहब आपके पीछे आ रहे, क्या सीट बेल्ट बांध ली है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। तो यहाँ हम रुके हैं सदाबहार रेस्टोरेंट, ठीक है, और चाय वाय का सीन बोला है भाई ने, कोई चाय का सीन ऑन है, अब देखते हैं सीन ऑन होता है या सीन ऑफ होता है। गर्मी तो इतनी है, चाय का मेरा तो अपना पर्सनल मूड नहीं है, लेकिन मीर साहब हमारे चाय के शौकीन है। हाँ तो मौजूद खबरती मजाक, टी ब्रेक जैसे कि आप लोगों को बताया है, टी ब्रेक चल रहा है सदाबहार, तो जी क्या कह रहे हैं? सदाबहार भाई, अब ये अपर में ही जाएंगे आप? नहीं, अपर तो मैं अभी उतारूंगा, हमारी भी ये जो हम भी तो आज बन के आए हैं शाहरुख, शाहरुख खान पानी में कूद के मर जाएगा, मर जाएगा तो मेरा नंबर आ जाएगा। शाहरुख बन गया मेरी अदा में तो मेरा नंबर आ जाएगा लास्ट पर। हाँ शाहरुख वैसे है भी पिशावर का पता है। बहुत बहुत जब हम चलते हैं सफर में दहशी होता है मीर साहब, जो बात है यार, जो बात है यार, बहुत आला बहुत आला, अल्लाह पाक खुश रखे यार। मीर साहब ये क्या कोई डांस स्टेप है क्या? नहीं अभी खुजा रहा हूँ, खुजल ऐसी हो रही है, निकल लिया बालू उतार के गुजा लू, सही गुजारे।
अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन नजर आ रही है, सारा रश आप देख रहे हैं, तमाम रश जो है जो यहाँ जमा हुआ है, ये टोटल सारा रश सुपर स्टार के इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ है उसकी जो लॉन्चिंग हो रही है उसके लिए रश हुआ है। हम यहाँ सेपरेट बैठे हैं कि आप लोगों को बता सकें, वहाँ सामने आप सारा रश देख सकते हैं, ये डीलर हजरात हैं, ये सारे डीलर हजरात हैं, और डीलर के साथ कुछ लोग, कुछ तो डीलर हैं और कुछ आपको पता है कि शुगर मेले में साथ लग के आए थे वो लोग हैं, ये सब डीलर हैं। हाँ तो मौजूद खवातीन हज़रात हाईटी हो चुकी है यहाँ पे, और जितने भी सुपरस्टार के डीलर्स वगैरह हैं हज़रात वो सारे रवाना हो चुके हैं हैदराबाद के लिए। तो हम भी नमाज़ अदा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम, और अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन विच इज़ हैदराबाद सिटी। टेक केयर। हाँ तो मौजूद खवातीन हज़रात फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन यानी कि सुपर स्टार की लॉन्चिंग सेरेमनी में पहुंच चुके हैं। खवातीन हज़रात हम सुपर स्टार के इवेंट में आ चुके हैं, और इसकी स्टार्टिंग एंट्री में ही सबसे पहले इन्होंने जो अपने आर्टिकल है, दो लोडर आर्टिकल जो समझ ले कमाने के लिए लोगों के लिए, मीर साहब है इनके पास भी दो लोडर है सुपर स्टार के, बहुत जोरदार है, आज ही मिला है और आज ही मिला है उनका लोडर चोरी हो गया था, अल्लाह पाक के फजल से आज मिल गए। ये देखिए सुपरस्टार के लोडर, ये 100cc में, ये 100cc में लोडर है, ये सही है, और इसका डाला जो है तकरीबन ऑलमोस्ट सुजुकी के साइज का ही है। जो लोग सुजुकी नहीं अफोर्ड कर सकते वो इस लोडर पे अपना रोजगार इजीली कर सकते हैं, और कम पैसों में पेट्रोल की बचत और मेहनत की बचत। सुजुकी में दो तीन बंदे अपॉइंट करने पड़ते हैं, इसमें एक ही बंदा चलाए और काम निपटाए। गहराई आप देखें, हाँ। ये ऑलमोस्ट 1-2 फुट ऑलमोस्ट 2-3 फुट की गहराई है इसकी, 2.5 फुट ऑलमोस्ट है, सारी लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है, ठीक है, सारा सेटअप लगाया हुआ है। खवातीन हज़रात एक बात मैं आपको बताता चलूं कि सुपरस्टार वाहिद वो ब्रांड है जो सबसे ज्यादा आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराता है लास्ट 3 ईयर से। आप देख लें कि इनके लोडर की कितनी सारी सामे यहाँ खड़ी हुई है, बाहर हमने दिखाया आपको, और यहाँ इतनी सारी 70, 100, 125 इम्पोर्टेड आर्टिकल, इम्पोर्टेड स्कूटीज, ई बाइक, ई स्कूटीज, और ई रेगुलर 70 में, और ई फैंसी स्पोर्ट्स बाइक है, 150 फैल्कन और 200cc बाइक और रिक्शा, और ये हैदराबाद के लिए सिंध वालों के लिए चमकते धमकते चांद गाड़ियाँ भी है, चांद गाड़ियाँ कहते हैं हम, चांद गाड़ियाँ वो भी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी रेंज के साथ ये लोग लेके चल रहे हैं। आप देख ले, मैंने देख गलत नहीं कहा था आप लोगों को, जितनी ज्यादा आर्टिकल की रेंज सुपर स्टार दे रहा ना मेमन बॉर्डर दे रहा है, इतनी कोई भी नहीं दे रहा है। ये देखिए ये रिक्शा है कोई 9 सीटर, 3-3, 6-9, और ये है ये 12 सीटर, 3-6, 9-12। भाई यहाँ का जो अरेंजमेंट देख के मुझे लग रहा है कि 1:30 से 2 बजे तक चलेगा फंक्शन जो है। भाई कितनी भी देर लगे हम खाना आके चले आएंगे, देखा कितनी भी देर लगे हम खाना खाके चले। अब आपने सही बोला। अच्छा तो खवातीनों हज़रात अब भाई गए हैं स्पेशली तिलावत कुरान पाक करने के लिए, और साथ साथ अस्सलाम वालेकुम नात के कलाम पेश करने के लिए, तो आप ज्वाइन कीजिएगा। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات اللهم صل على محمد. आप लोगों की पेशी खिदमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और इस महफिल को बाबरकत बनाने में कोशिश करूंगा ये नात निभा सकूं, पढ़ सकूं, आप लोग साथ रहिएगा। कमली वाले मोहम्मद जिन
और इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को मॉडल भी दिखाएंगे, इसके बाद आपके मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे। चलें सलीम उमर साहब से गुजारिश करूंगा किसी पे तालियां बजाएंगे उनके लिए, म्यूजिक थोड़ा सा लाउड देंगे। एक और एलईडी का तोहफा है, टाटा मोटर जोहराबाद जनाब साजिद कुरैशी साहब। सर आप क्यों जा रहे, बुलाएंगे तो जाएंगे ना। तो मौसिस खवातीन हज़रात, जैसा कि आपको बताया है कि सुपरस्टार का जो 2024 का मॉडल आया है इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस क्या हैं हम तो देख रहे हैं, हमें तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ इस वक्त NSM सुपरस्टार मेमन मोटर्स कंपनी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे खरीद से? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र। शहजाद भाई सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा इस मॉडल की। मॉडल जो है ना काफ़ी साउंड है, काफ़ी साउंड नज़र आया है मुझे पिछले सालों से, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सक्सेस मिले आपको। अच्छा शहजाद भाई, एक जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो ये है, हमारे जो है ख़वातीन हज़रात को आप बताइए कि यार इसमें जो चेंजेस आए हैं, जो पता चला 25 से 26 चेंजेस हैं, वो क्या चेंजेस हैं? फिंगर टिप से कुछ बताया मैं बताता हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल जो है ना वो हिडन है, वो हमें चेंजेस नजर नहीं आएंगे। टेक्निकली जो चीज़ें वो हमें नजर नहीं आएंगी, लेकिन वो जो चेंजेस हैं वो बताता हूँ। असल में जो हमारे इस वक्त पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, जो हमारा मजदूर और जो मतवसत तबका है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सो हमने टेक्निकल चेंजेस इस तरह के किए ताकि वो फ्यूल एफिशिएंट रहे हमारे सबसे पहले तो ये। दूसरी बात ये कि जितनी चेंजेस हमने इस मॉडल के अंदर किए शायद इंडस्ट्री में आज तक किसी और ने इतनी भरपूर चेंजेस की हो। मैं बताना ही चाह रहा था कि आप ये देखें, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अगर हम आपको दिखाएं, ये है हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट में फर्स्ट टाइम जो है ना वो इंडिकेटर, ये बहुत प्रीमियम चीज दी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये जो ना हेडलाइट के अंदर, अच्छा पीछे आ जाए, सेम एज हमने टेल लाइट, ब्रेक लाइट के अंदर भी जो ना इंडिकेटर्स, टेल लाइट में भी इंडिकेटर्स है आप लोग देख सकते हैं, और सेम बड़ी चेंजेस में और ये किक, ये फोल्डिंग की जी ये किक भी चेंज है, ठीक है, और हमने अपने एम्बलम को थोड़ा सा बड़ा किया है। अच्छा इसकी ग्राफिक्स में अच्छा लार्ज किया है और कॉस्मेटिक्स पे काफी काम हुआ है। देखें कि जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन है ग्राफिक्स का वो जी आउटस्टैंडिंग है। नहीं नहीं साथ साथ आप मीटर की चेंजेस देखें, मीटर में हमने डायल चेंज किया है इसका, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्विच किट हमने जो है वो की जो है वो बड़ी कर दी है, की बहुत बड़ी और बॉडी बड़ी एडवांस लग रही है, बॉडी मॉडर्न सही है जी। जो मैं देख रहा हूँ इसमें, जो आजकल लोग बड़े परेशान रहते हैं, लोग फ्लैटों में पोर्शन में रहते हैं, लोग पेट्रोल चोरी कर लेते हैं, हाँ ये फ्यूल लोग यार ये बहुत जरूरी है कराची जैसे शहर में, तो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है ये फ्यूल लोग, आप दिखाइए। बल्कि मैं दिखा चुका हूँ बेफिक्र रहे हैं। ये चेंजेस तो नजर आ गए माशाल्लाह, इंडिकेटर में भी चेंजेस है, साइड मिरर भी चेंज है, साइड मिरर का यार विजन दिखाएं, एक बंदा कंप्लेन कर रहा था मुझे विजन का ना। अच्छा विजन भी ऑलमोस्ट गुड है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड। टेक जो होता है कैरियर, ये भी हमने चेंज किया है, सीट भी हमने चेंज किए। कलर हमारे पास इस टाइम पे ये 11 मॉडल्स है हमारे पास, 11 यानी 11 कलर्स हमारे पास, सेम मॉडल के 11 कलर्स हैं। मॉडल जो है ना बेसिकली वो दो है हमारे पास, एक HS मॉडल हमारा और एक हमारा रेगुलर मॉडल है, ठीक है। कलर जो है ना वो 11 कलर्स हैं हमारे पास, वो सारे लाइन से लगे हुए सब देखिए, जिसके अंदर हमने एक मॉडल और लॉन्च किया है जो क्रोम साइड कवर के साथ है, ओके क्रोम है इसके अंदर। क्या हम इसे स्पेशल एडिशन बोल सकते हैं? स्पेशल एडिशन है, ठीक है भाई। ये स्पेशल एडिशन सुपरस्टार वालों ने भी लॉन्च कर दिया आप लोगों के सामने, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, नहीं क्रोम भी वेरी ऑनेस्ट, क्रोम क्वालिटी भी बेहतरीन है, और प्लास्टिक क्रोम हो
फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा ना अगर वो उसको आयरन की तरफ लेके जाएंगे। तो ये चेंजेस हम लोगों ने किए हैं इसके अंदर और मुझे उम्मीद है कि जो ना वो आवाम को, पब्लिक को, जो इसके यूजर्स है उसको बहुत पसंद आएगा, बहुत बड़ी चेंजेस इसके अंदर। अच्छा, हमारी उम्मीद भी यही है और हमारी दुआएं भी हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सबको कामयाब करे। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मौजूद खवातीन और हज़रात, जैसा कि आपको हमने दिखाया अभी, नेशनल सेल्स मैनेजर ने अवेयरनेस दी, आपको इन्फॉर्मेशन दी तमाम न्यू मॉडल के हवाले से। अब हम आपको एक मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे कराची के मशहूर और मारूफ और मेरे अच्छे भाई, बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे, बहुत सीनियर ऑटो इंडस्ट्री में जो पुराने डीलर हैं, इस्माइल वली साहब। अस्सलाम वालेकुम। अरे इस्माइल भाई, ये बताएं यार, आप तो बहुत अच्छे सेल कर रहे हैं, 500-600 गाड़ियां आप सेल करते हैं अदर ब्रांड्स की, इंक्लूडिंग सुपरस्टार। तो इस साल का जो मॉडल है उसमें आपको क्या दिखा है कि क्या उसके अंदर, उस वेरिएंट में क्या ऐसी खासियत है कि क्या बिकेगा, नहीं बिकेगा, क्या है क्या नहीं? माशाल्लाह, मैं काफ़ी स्टार, तकरीबन 12-13 साल हो गए सुपर स्टार का डीलर, और ऐसी चेंजिंग मैंने कभी नहीं देखी कि पुल चेंजिंग जैसे, मतलब पुल चेंजिंग की है, और बहुत इंशाल्लाह ये गाड़ी ये ऐसी बिकेगी कि जो बंदा ना लेने के तो फिर भी ये लेगा इंशाल्लाह। और बहुत बेहतरीन माशाल्लाह इसमें चेंजिंग हुआ है। हम लोग हैदराबाद ऐसे देखा है गाड़ी, जो ऐसी गाड़ी हमने कभी ऐसे कंपनी चेंज करती है, मगर ऐसा नहीं है कोई इंडिकेटर चेंज करिया पटा। आप 5-6 तो गाड़ी बेचेंगे महीने में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनका काफी टाइम हो गया डीलर हूँ और काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम पे भरपूर काम करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको NSM से लेकर एक डीलर साहिबान से भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की, उनके रिव्यू तो शेयर करवाए, आपको बताए। अब मैं आपको जिस हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ वो सुपर स्टार के कर्ता धरता है, इनफैक्ट सारी काविशें इन्हीं की हैं जो मेरे हिसाब से, मैं अपनी नज़र में मैं कहता हूँ कि जो कुछ इन्होंने करा है और आज अल्लाह पाक इनको तरक्की दे, कामयाबी दे, और इनकी तवस्सुत से बहुत सारे लोग खुशहाली पा रहे हैं और खुशहाल हैं। आपसे मिलवाते हैं, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल है? आसिफ भाई, माशाल्लाह कितनी हमारी सोच नहीं थी, हम सोच रहे थे शायद एक नॉर्मल सा आर्टिकल आएगा, स्टीकर चेंज होगा, वल्ला यही जहन में था, लेकिन यहाँ आके देखा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज पाई, और स्पेशली जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, जो आप कलर चेंजिंग लाते हैं वो बहुत अच्छा लगा मिलकर। तो आप बताएं आपकी क्या सोच थी, क्या सिनेरियो था कंपनी के साथ, आपकी क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, इस हवाले से आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं इसमें, बताइए सर प्लीज़। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि जब भी मॉडल आता है तो ग्राफिक्स चेंज होते हैं या बैकलाइट कवर चेंज करता है, लेकिन इस बार हमने इसमें तकरीबन 20 से 25 आइटम चेंज किए हैं, कॉस्मेटिक आइटम चेंज किए, इंजन में चेंज किया है, और कोशिश की है कि गाड़ी बढ़ती हुई जो कीमत है पब्लिक को उसमें अच्छी मेयारी गाड़ी मिले, और इसमें फ्यूल लॉक का इजाफा किया है। फ्यूल लॉक सिर्फ एक फ्यूल लॉक लेने जाते हैं तो 500 रुपये का मिलता है, लेकिन हम उसी प्राइस में, जो प्राइस कम मार्केट की होगी उसी प्राइस में फ्यूल लॉक भी दे रहे हैं। हमने इसके ग्राफिक्स चेंज किए हैं, इंडिकेटर वाली बैकलाइट दी है, इंडिकेटर वाली हेडलाइट दी है। इवन ये कि मैं आपको दिखाऊँ, आप इसको आप अपने रिजोर्स से इसको मोड़ें, ये फ्लेक्सीबल है, उसका रबड़ इतना शानदार इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसके किक हमने फोल्डिंग कर दी है, ग्रिप्स और इसकी फुटरेस्ट सप्लाई हमने मैचिंग कर दी है, हॉर्न का डिजाइन हमने चेंज कर दिया है, मोनोग्राम चेंज, मतलब लात आधा चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त सीट हमने चेंज की है, पीछे का टेक चेंज किया है। एक बहुत जरूरी सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ आसिफ भाई, देखिए लीजिंग पे आपको पता है लोग कैश पे लोग लेते नहीं है, किस्तों पे लोग ले रहे हैं, बहुत सारे डीलर्स इसको किस्तों पे देते हैं, लेकिन वो मार्कअप चार्ज करते हैं। तो आप लोगों कंपनी को ऐसा प्लान है कोई MOU किसी बैंक से साइन करने का, जो क्रेडिट कार्ड पे स्कीम होती है 0% मार्कअप पे, ये 17 रिड्यूस कराने का आपका प्लान है या नहीं? देखिए, हमने मिजान बैंक से भी बात चल रही है हमारी, बल्कि तकरीबन लास्ट साइनिंग रह गया है, उस पर सिग्नेचर रह गए हैं, बाकी उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि 0% मार्कअप पे मिजान बैंक से हम काम करें, और दूसरी 2-3 बैंकों ने हमें अप्रोच किया है। तो अब जब गाड़ी जब लीजिंग पे लेता है बंदा और जब बेचने आता है तो उसको आधी कीमत भी नहीं मिलती, तो हमारी कोशिश ये है कि उसको कम से कम मार्कअप देना पड़े, और जब गाड़ी बेचते हैं तो हमने गाड़ी ऐसी बनाई है कि कोई भी देखेगा उसको पसंद आएगी, और इतना चेंज मॉडल, लोग कहते हैं मॉडल चेंज हो गए, सिर्फ स्टिकर चेंज करते हैं, हमने पूरा तमाम चीजें ही चेंज कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आप खुद देख सकते हैं, नहीं वो नजर भी आ रहा है, इसमें कोई दो राय वाकई भी नहीं है, बिल्कुल नजर आ रहा है। आपके सामने ये गाड़ी का रिव्यू कर दिया है, आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज भी दिलवा दिए, और ये अच्छे अच्छे नहीं, ये सारे के सारे ऑनेस्ट रिव्यू दिए, ठीक है, सारे ऑनेस्ट रिव्यू डिफरेंट। साउंड पीछे मेरे बहुत जोर का बज रहा है, तो मैं ज्यादा देर तक आपसे गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। खैर, लॉन्चिंग सेरेमनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, डिनर भी हो गया है, अब हम यहाँ से निकल पड़ेंगे अपनी मंजिल की तरफ, जो के है हमारी कराची, हमारा होम टाउन। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा, नहीं यकीनन बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।